ठीक, तो कंफ्यूजन वो मत रहे कि नहीं आता ऐसा करके, बहुत बेसिक से थ्योरी सा, बल्कि पढ़ने वाले नहीं बना पाते इसको, मतलब जो जानने वाले, एक आध क्वेश्चन की मार्जिन रहेगा। देखो कंप्यूटर ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ उपयोग नहीं होता? ठीक, अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं डिजाइनिंग में कंप्यूटर का यूज करूंगा। ठीक, जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला है वो ऐप बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसका अलग उपयोग है, उसको प्रोग्रामिंग के बारे में पता रहेगा, मेरे को अपने फील्ड के बारे में पता रहेगा। कोई आईटी वाला है वो नेटवर्किंग का जानेगा, नेटवर्क वर्क के बारे में, तो उसको एक अलग नॉलेज है। तो कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा रेंज है उसका, तो एक पूरा वृहद बोल सकते हो, बहुत वास्ट है, बोल नहीं सकते कि कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है करके। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा नया आता है तो बस आपसे एक आध क्वेश्चन ही आगे रहेगा, लेकिन बताना फंडामेंटल है पूरा, आपका पूरा सिलेबस फंडामेंटल है, थ्योरी ही पूछेगा कि बेसिक्स आपका क्या होता है, जो आपका लगातार एमएस ऑफिस में काम कर रहा है, हो सके वो एक आध क्वेश्चन आपसे ज्यादा बना ले, अगर कुछ कठिन से शॉर्टकट पूछ दिया। ठीक, लेकिन लगभग सब तो क्लास में हो गई, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत आगे कोई निकल जाएगा कंप्यूटर जान के, एक दो क्वेश्चन ही आपसे ज्यादा रहेगा बस। और मैं तो बल्कि फेल होते देखा हूँ, 25 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। ठीक, 50 में आपके 25 नंबर भी नहीं आया है, कि हम लोग को आता है करके पढ़े नहीं थे, और इसमें तो ईजी आता है। ठीक, तो लगभग 50 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 25 क्वेश्चन तो उसमें इजी रहते हैं, लेकिन वो है कि पढ़ने वालों का ही बनेगा, वो भी ऐसा नहीं कि एकदम इजी, क्योंकि क्वालिफाई रखा है, इसीलिए कुछ सोच समझ के रखा है आपका। तो ये सिलेबस आपका, व्यापम के सारे एग्जाम्स का, चाहे कुछ भी एग्जाम दो। ऑनलाइन वालों भाई आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत होगा? ठीक, ये कोई भी एग्जाम दो व्यापम का, देखो इस बैच में पढ़ने का ये फायदा है कि आप कंप्यूटर आपका आजीवन तैयार हो रहा है, जब तक आप एग्जाम निकालोगे कंप्यूटर आपका हर एग्जाम में काम आना है। व्यापम कोई भी एग्जाम दो, 20 से 30 क्वेश्चन, एजी ग्रेड 3 में, जैसे सहायक ग्रेड 3 में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 20, किसी में 10 भी आता है, आपका छोड़ नहीं सकता व्यापम, इसको रखता ही है आपका, एक दो एग्जाम के छोड़ सब में कंप्यूटर आता है आपका। तो इतना डिटेल में यही पढ़ेंगे इस बैच में, और दूसरे बैच में बोल नहीं सकते इतना डिटेल पढ़ा, जैसे ये रेगुलर बैच है, यहाँ एक डिटेल पढ़ रहे हैं आपका डीप में अच्छे से। ठीक, तो एक टाइम है अपने पास बहुत, और इसका पूरा वेटेज कितना है आपका? 50 पूरा। तो एक डायलॉग तो मैं हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको जितना इज्जत दे रहा है उतना इज्जत आप भी उसको दो। ठीक, तो आपको पूरा ये तो बेइज्जती भी कर देगा अगर 50 में से 25 नहीं पाए तो। ठीक, ये तो इज्जत के साथ साथ आपको वही बाहर कर देगा अगर 25 नहीं मिला तो, फिर आपका टॉप कर दो। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता आप। तो ये सब बेसिक है आपका, एक डिफेंस का सिलेबस को देख लो अच्छे से, सिलेबस के डिस्कशन में ही आप लोग का 2-3 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाता है बेसिक से जो पूछता है। ठीक, तो कंप्यूटर का परिचय है, ये क्या बोल रहा है आपको, कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर होता क्या है, हमारे काम को आसान बनाने के लिए जो मशीन बनाया गया है आपका। ठीक, हमारे काम को आसान बनाने के लिए, पहले तो गिनती के लिए उपयोग होता था, पहले लोगों को थोड़ी पता था कि आगे चल के सब टिकटॉक बना के नाचेंगे करके, पहले तो ये पता था कि गिनती करना है हम लोग को, एक ऐसा मशीन बनाना है जो हम लोग गणना में कैलकुलेशन में हेल्प करे। तो कंप्यूटर का इतिहास वहीं से चालू होता है, इसलिए बोलते हैं अबेकस, जो हम लोग सुने हैं कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन था, अबेकस। तो वहां से स्टार्ट होके आज के कंप्यूटर तक हम लोग कैसे पहुंचे, वो इसका इतिहास पढ़ना है, कंप्यूटर की पीढ़ियां मतलब जनरेशन पढ़ना है, जो 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है। ठीक, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ठीक, ये सब हम लोग देखेंगे। किसी को पता है आपका पहली पीढ़ी में कौन सा प्रोसेसर उपयोग होता था, या किस डिवाइस का उपयोग होता था पहली पीढ़ी में, पहले जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में? तीसरा आपका? तीसरा आपका आईसी। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अब 5वां जनरेशन चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर ही है इसमें भी, लेकिन अब क्या एडवांस हो गया है, थोड़ा आपका स्पीड बढ़ गया है, नया नया आजकल तो AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही 5वीं पीढ़ी की पहचान है, सीधा सीधा आपको एग्जाम में आ जाएगा कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की मतलब गुण पाए जाते हैं या विशेषताएं पाई जाती है, अभी के 5वीं पीढ़ी। ठीक, 80 में ही खत्म हो गया, भारत में कंप्यूटर आया था उसके पहले ही 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो गया है। ठीक, मतलब भारत में बहुत दिन बाद कंप्यूटर आया है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया, इसका परिचय। ठीक, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये देखो ये चैप्टर जो है आपका ये पूरा हार्डवेयर के बारे में है, ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में है, ये दोनों चैप्टर देखो, सीपीयू इनपुट आउटपुट ये सब क्या है आपके, जितने भी डिवाइस जिसको आप छू सकते हो, जो लगे हैं चाहे अंदर, जो हमको दिख नहीं रहा है, क्या है ये सब हार्डवेयर, जिसको छू सकते हैं। ठीक, और जिसको हम लोग छू नहीं सकते वो क्या है आपके, सॉफ्टवेयर है, सबसे बेसिक सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ये आपके एमएस ऑफिस वगैरह हो गए, वर्ड एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हूँ, देखना, टीचर क्वेश्चन का, जो 20 क्वेश्चन जो आए थे उसको सॉल्व कराया हूँ, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, तो वहां से भी आपको 5-6 क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑर्डर मान के चलो कि आएगा, जितना डिटेल में वो सॉल्यूशन कराया हूँ उसका।
YouTube में डाला हुआ है, चार पांच वीडियो पहले ही मिल जाएगा आपको, एक पांच छह दिन ही हुआ है डाले हुए वीडियो को, तो उड़ान के देख लेना उसको, और 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराना डिटेल में। तो ये सब याद रखना है हम लोग को, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। दूसरा है एक बड़ा चैप्टर है मेमोरी, यहाँ से भी तीन चार क्वेश्चन आएंगे ही। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका किसका ज्यादा वेटेज है। एक प्रिंटर का, प्रिंटर से कोई भी एग्जाम दो, तीन और प्लाटर को मिला देगा तो तीन से चार क्वेश्चन केवल प्रिंटर से आता है। एक तो टाइप से ही क्वेश्चन आएगा, कौन सा इंपैक्ट है कौन सा नॉन इंपैक्ट करके, ठीक। प्लाटर से कात क्वेश्चन आएगा, आजकल कठिन करना पूछेगा तो वो पूछ देगा इंक किस में उपयोग होता है, टोनर किस में उपयोग होता है, कौन से प्रिंटर में फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम या फोटो कंडक्टिंग ड्रम होता है करके, ठीक। तो बेसिक सा बनावट पे पूछेगा आपको, सीधा सीधा मैं लिखवाऊंगा उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। कि आपको बोल दूंगा ड्रम फोटो, फोटो मतलब प्रकाश, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, फोटो कंडक्टिंग, फोटो संबंधित किससे है, प्रकाश से, ठीक। तो जहां फोटो आया मतलब लेजर के बारे में ही बात करेगा वो, लेजर प्रिंटर के बारे में। तो ऐसा क्वेश्चन को पकड़ने का आंसर, क्योंकि बहुत सारे को क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे भाई कि देख के आपको पता नहीं चलेगा कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक। क्योंकि हम जैसा पढ़े वैसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता रहेगा पढ़ना क्या है। जहां बोल दिया आपको प्रिंट हेड हैमर, ठीक, एक कागज है रिबन है जिसपे इंपैक्ट कर रहा है, ठोक रहा है, मतलब वो बात कर रहा है इंपैक्ट प्रिंटर का, ठीक, जो आपका डॉट मैट्रिक्स और डेजी भी दो ही तो है। तो ये भाषा को पकड़ने सीखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब जितने क्वेश्चन आप, हाँ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, एक परीक्षा मंथन का बुक लेना है आप लोग को, वो भी बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ छोड़ना भी है हम लोग को, परीक्षा मंथन का आपको बेसिक सा, इससे अच्छा बुक कोई नहीं है आपका कंप्यूटर का, ठीक। क्लास नोट्स रहेगा। दूसरा आपका क्या करना है आप लोग को, पिछले साल का जितना भी व्यापम का एग्जाम हुआ है, हजार से भी ज्यादा व्यापम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको केवल कंप्यूटर के, क्योंकि हर एग्जाम में 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के हैं, रिपीट होंगे 50 में से मान के चलो कि 25 आपके रिपीट हो जाएंगे, लेकिन उतना आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तब, ठीक, हजारों क्वेश्चन को। और ये बोल रहे होगे कि आप लोग दो तीन दिन में हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक, कई महीने लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप लोग को केवल देखना नहीं है कि ये आंसर क्या है, रटना नहीं है आपको, समझ के पढ़ना है एक दिन में। तो हर दिन एक बड़ा वेटेज है भाई, इज्जत देना है, वरना ये बेइज्जती कर देगा आपका। 50 क्वेश्चन की बात है, एक तरफा टारगेट बनाएंगे हम लोग कि 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग इस सब्जेक्ट से खींचे, कितना मदद करेगा सोचो। 150 में जो 100 नंबर लाएगा ना, एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 100 में 150 में उसका सिलेक्शन होगा, मतलब 150 में 100 पाएगा तो लगभग 66%, ठीक, 66% आपको नंबर लाना है, टारगेट बता रहा हूँ, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, एकदम हाई बता रहा हूँ आपको, जनरल कैटेगरी जो टॉपर जो रहेंगे आपके टॉप 10 वो बता रहा हूं मैं, ठीक। तो सोचो अब ये 50 क्वेश्चन का अगर मैं 66 मान लूं तो 33 क्वेश्चन ही हो रहा है, लेकिन हम लोग इसमें अगर 6-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दे हम लोग 40 पहुंचा दे। इस बैच का एक फायदा है कि इसमें कंप्यूटर सबसे ज्यादा चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि आपका एक तरफा वेटेज है, बाकी को आप बोल सकते हो कि हाँ कुछ चीज छोड़ दे, इसमें हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक। ये बैच का ही फायदा है आपका, बहुत डीप में जाएंगे इसमें, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको भी अपने तरीके से मेहनत करना है, यहाँ भी पूरा चला जाएगा। हर टॉपिक के बाद दो चार चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आप लोग को पुराने क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगा, 5 साल के कुछ क्वेश्चन भी देंगे नए नए टाइप के, कैसे आता है करके सॉल्व करेंगे, एक दिन आपको दे दिया करूंगा सॉल्व करके देखना, फिर अगले दिन मैं सॉल्व करा दूंगा उसको, तो बहुत डीप में जाएंगे आपका, ठीक। नया नया शब्द से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अभी पूछा था बायोस, जानते हो कोई बायोस क्या होता है, फुल फॉर्म पूछता है इसका, कहाँ होता है, ठीक, सीमोस, ये सब अभी अभी के क्वेश्चन के पैटर्न बता रहा हूँ कि आजकल कैसा कैसा चीज आ रहा है एग्जाम में, बेसिक साइड एकदम, कोई हाई फाई नहीं है, सब क्लास में हो जाएगा ये सब चीज आपकी, ठीक। बुक से पढ़ के आप 25-30 नंबर आराम से ला सकते हो, क्लास के बाद 40 का गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक, वो सब तो रिकॉर्डेड रहेगा ना, कहाँ जाएगा क्वेश्चन, ठीक, पूरा क्लास में कराऊंगा आपको, बकायदा लिखेंगे, कुछ नोट्स दूंगा, उसको भी आपको जाके लिखना ही है, ये नहीं कि पीडीएफ दे दिया, मतलब पीडीएफ से इतने कोई आर्य पुत्र नहीं है कि पीडीएफ देके कोई पढ़ ले, ठीक, मेहनत करना पड़ेगा, आप रफ में लिखो बल्कि 2-3 बार लिखो, क्योंकि आपको पूरा जितना भी टाइम दे रहे हो उसका एक तिहाई टाइम तो इसी के दो, एक तिहाई नंबर है इसमें कंप्यूटर, अगर इसको टारगेट रखे हो तो। और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आनी है, दोबारा आएगी, बड़े मार्जिन पे आएगी, ये भी तो कम आया है बोल दो, तो ये भी खासियत है इसका। दूसरा भाई कि कंप्यूटर को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो 20 नंबर तो आना ही है, 20 नंबर 30 नंबर 15 नंबर के कंप्यूटर आना ही है, ठीक, चाहे बाहर के भी क्यों ना एग्जाम दो, कंप्यूटर आता ही है आपके, SSC वगैरह इधर उधर, तो ये बहुत बड़ा एक फायदा होगा इस बैच का, इसके बाद आपको कंप्यूटर और कभी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक। इस बैच का ये फायदा है हॉस्टल वार्डन स्पेशल का कि कंप्यूटर बहुत डिटेल में जाने वाले हैं यहाँ पे, तो ये सब याद रखना बेसिक सा, ये सब नए नए टर्मिनोलॉजी जो आजकल पूछ रहा है आपका, प्रिंटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा इसमें आपका आएगा 3-4 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से, माउस जॉयस्टिक ये सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, कीबोर्ड के कीज के बारे में पूछता है, अलग अलग की न्यूमेरिक क्या है आपका,
मॉडिफायर किस किसको बोलते हैं, ठीक, पता किसी को मॉडिफायर नाम क्या है, मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई कर देगा, जो जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गया, ये क्या है, मॉडिफायर कीज है, सीधा आपको एग्जाम में आएगा कौन सा मॉडिफायर की के एग्जांपल है करके। क्यों मॉडिफायर बोल रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट का खुद खुद कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन दूसरे की को क्या कर देता है, वो मॉडिफाई कर देता है, तो ये हो गया आपको मॉडिफाई। वैसे कंट्रोल का है, ठीक, कंट्रोल के साथ किसी और बटन दबाओगे तो उसका फंक्शन बदल जाता है, वो मॉडिफाई कर देता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। न्यूमेरिक क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की कौन कितने होते हैं, फंक्शन की आपके ए फंक्शन लेकर 12, ठीक, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट आखिरी में, सबसे शॉर्ट की। यहां से भी मान के चलो कि आपके 3 क्वेश्चन से मिलने ही है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएगा कहां कहां से देगा, 10-11 चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन आना है, तो हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, किसी से 6 क्वेश्चन भी आएगा आपका, ठीक। तो ये है आपका एक एक चैप्टर का फायदा है यहाँ पे। तो शॉर्टकट की मिनिमम 3 बता रहा हूं मैं, ठीक, कि आपका या तो एमएस वर्ड के शॉर्टकट पूछ देगा कि वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसा ऐसा करके। एक्सेल में आपको पूछ देगा, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज करने के लिए क्या गया था। तो एक तो एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपका शॉर्टकट की, दूसरा आपका विंडोज से रिलेटेड F1 F12 का जो पूछ सकता है आपका, ठीक, नॉर्मल जो बेसिक सा कॉपी प्रिंट ये सब क्या होता है करके, ठीक, मार्जिन किस में चेंज करते हैं, ये सब आपका दुनिया भर का। तो ये एमएस ऑफिस के अंतर भी आता है और नॉर्मल बेसिक आपका विंडो का भी आता है, कुछ सरल सरल भी पूछेगा, कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल ये सब करके, सेंटर अलाइनमेंट जैसे पिछले बार पूछा था आपका, कंट्रोल प्लस ई करके, ठीक। तो बहुत लोग गलत किए थे इसको, ऑप्शन में सी दिया था तो कई लोग सेंटर अलाइनमेंट सी हो भाई, कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी होता है ना, उतना तो पता है सबको, ठीक। तो बस वही था, सरल क्वेश्चन भी आता है थोड़ा घुमा फिरा के। तो ये है आपका एमएस ऑफिस बोल देते हैं, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी खास उद्देश्य के लिए बने हैं इन लोग, किसी खास एप्लीकेशन उपयोग के लिए बने हैं। वर्ड एक्सेल अगर आपको लिखना है तो वर्ड यूज करोगे, चार्ट बनाना है सबको, मेरे को रिजल्ट बनाना है, चाहे व्यापम देखे हो लाखों लोग रिजल्ट निकालता है, किसमें निकालता है, एक्सेल में, जहां पे आप टेबल में काम करोगे, रो कॉलम में काम करोगे, वो एक्सेल होता है। ये क्या है आपका स्लाइड है जो बना लाया हूं, पावर पॉइंट में बना हुआ है, ठीक, ये आपका हो गया। तो ये सब हम लोग को देखना है। इंटरनेट ये भी एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ रहता है आपका। यहां से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपका प्रोटोकॉल से, कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आईपी एड्रेस का, जिसको बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते, कौन सा सही आईपी एड्रेस है, फिर एक मैक एड्रेस होता है, नया नया देखेंगे, सब क्लास में हो जाएगा, कोई बहुत हाई फाई नहीं है आपका, ठीक। सर्चिंग सर्फिंग यूआरएल के बारे में ये सब, नेटवर्क एक छोटा सा पढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क में फिर आपका कुछ क्वेश्चन बनता है, लैन वैन मैन करके जो पढ़ते हैं, और भी टोपोलॉजी नेटवर्क के, स्टार ट्री टोपोलॉजी बस, ये सब दुनिया भर का, ये सब देखेंगे आपका, ठीक। तो एक सिलेबस आपका नेट इंटरनेट का बोल सकते हो। और आपका हो गया ईमेल में आपके ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, कार्बन कॉपी क्या होता है, तो थोड़ा बहुत डीप नहीं जाना है, हल्का हल्का आगे बढ़ेंगे। एक सिलेबस आपका एंटीवायरस वायरस, तो ये तो लिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका। तो ये भी चैप्टर 5 क्वेश्चन मान लो आप लोग, हैकिंग, ठीक। अब हैकिंग से पहले क्वेश्चन डिफिनेशन से पूछता था, अब वो बढ़ा दिया, क्या कर रहा है वो, हैकर के बारे पूछ रहा है, व्हाइट हैट हैकर क्या होता है, ब्लू हैट हैकर क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, रेड क्या होता है, ग्रे क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सरल सरल है आपके, ठीक। स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है आपका, ठीक, की लॉगिंग क्या होता है, तो ये सब बेसिक बेसिक सा। तो ये पूरा साइबर सिक्योरिटी पूरा टॉपिक ही आ गया एंटीवायरस वायरस के अंदर, ठीक। कई लोग बोलते हैं कि सिलेबस नहीं दिया है, दिया है, वायरस जो भी कंप्यूटर से होने वाला, जो भी साइबर क्राइम ही बोल सकते हो पूरा उसको, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, पासवर्ड, फायरवॉल, हर चीज की बात करेंगे इस चैप्टर में। मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया में यहाँ क्वेश्चन किस में आता है सबसे ज्यादा आपका आएगा, फाइल एक्सटेंशन से, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा फाइल एक्सटेंशन से, ठीक। जैसे आप इमेज को सेव करते हो तो .jpg लिखाता है, वीडियो में आपका mpg mp4 ये सब रहता है आपका। तो एक तो फुल फॉर्म पूछेगा उसका, jpg का फुल फॉर्म क्या है, mpg का फुल फॉर्म क्या है, TFT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो ये सब एक फुल फॉर्म आता है एक्सटेंशन से। दूसरा आपको बोल देगा JPG एक्सटेंशन या JPG फाइल किस प्रकार का आपका मल्टीमीडिया है या क्या है। JPG मतलब इमेज, सीधा मारना रहेगा आपको, और आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, कौन से इसमें वीडियो है, कौन सा इसमें इमेज है, कौन सा ऑडियो है, ठीक। तो पूरे डिटेल में देखेंगे मल्टीमीडिया, बहुत सारा क्वेश्चन इसको मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत लोग से नहीं बनता, यहां से कठिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वीडियो बना होता है फ्रेम्स से, तो ऐसे नया नया क्वेश्चन आजकल आता है आपका, ठीक। तो ये सब याद रखना है आप लोग का। तो एक अच्छा एक्सटेंशन से क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका। दूसरा आपका वीडियो से आपका क्या बोल सकते हो, फुल फॉर्म बोल सकते हो, एब्रीवेशन में आ जाएगा सब,
सारे फुल फॉर्म आपके जो होते हैं सीडी से लेकर आपका पूरा टोटल, आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है करके, ठीक, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, ठीक, ये सब फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते पढ़ते आप लोग का 50-60 अपने आप याद हो जाएगा पहले चैप्टर से ही। पहले चैप्टर हम लोग कंप्यूटर के इतिहास पढ़ेंगे, उसमें एनियाक एडुएक ये सब पढ़ेंगे हम लोग, उसका भी फुल फॉर्म है, ठीक। मेमोरी हम लोग सीडी डीवीडी रोम वोम पढ़ेंगे, उसका भी फुल फॉर्म है आपका, ठीक। तो ये बनते जाएगा साथ साथ, उसको पढ़ते जाना है, लास्ट में उसका अलग लिस्ट बना लेंगे। शॉर्टकट की सिकन यहाँ से भी तीन तीन चार चार क्वेश्चन इसी से आ जाएगा सीधा सीधा आप लोग का, तीन से चार ये आपका एब्रीवेशन से, शॉर्ट ट्री से आपका तीन चार क्वेश्चन, तो ये आपका पूरा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके, अब देखना गूगल अल्टाविस्टा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्या है गूगल अल्टाविस्टा, क्या है ये सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन। यूट्यूब क्या है आपका, वीडियो स्ट्रीमिंग है बोल सकते हैं आप लोग वो। तो इसमें आपका सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, ट्विटर के बारे में, जीमेल के बारे में, और अभी तो बहुत गंदा गंदा भी क्वेश्चन पूछ रहा है कई बार, नया नया एग्जाम में देखा, और यूट्यूबर लोग के बारे में पूछ दिया था, मतलब वो पूरा आपका ऑनलाइन नॉलेज चेक करेगा पूरा ही आपका चैप्टर जो है। ईमेल, गूगल सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर ने देखा क्या सिलेबस में, हाँ एक बड़ा वेब ब्राउजर क्या है आपका, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वेब ब्राउजर, ठीक। तो एक बड़ा चैप्टर है आपका इंटरनेट मतलब नेटवर्क वेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के इतिहास ये सब आपका आएगा, नेटवर्क से जुड़ा हुआ चीज है वो, ठीक। यूआरएल वगैरह में वेब पेज क्या होता है, यूआरएल क्या होता है करके, वेबसाइट क्या होता है, डोमेन नेम जैसे ईमेल है आपका पूछ देगा कौन सा सही ईमेल है करके, ठीक। ईमेल वाला जो हो गया आपका सर्च इंजन, ईमेल के बारे में नहीं दिया सिलेबस में ना, यहाँ यहाँ तो दिया इंटरनेट वाले में, ठीक। इसमें आपका डोमेन नेम के बारे में पूछ सकता है, तो बहुत सारी चीज का, कौन कौन सा ब्राउजर है, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सा सर्च इंजन के एग्जांपल है, तो कम से कम 20-25 तो सबके मिल जाते हैं एकदम, लेकिन रहने को तो हजारों हैं, काम की चीज कोई पढ़ना है, खासकर जो एग्जाम में आ चुका है रिपीट होने के चांस उसके ज्यादा रहते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है आपका, हर एक चैप्टर आपका आपको नंबर देगा, ठीक। कुछ टफ नहीं पढ़ने वाला है, बहुत ईजी है आपका, बहुत सरल है। तो ये टारगेट बनाकर रखो, इसको टाइम देना है करके, ठीक है। कोई दिक्कत इधर सिलेबस वगैरह में, ये सिलेबस सब कॉमन है आपका, पूरा कंप्यूटर आ रहा है सिलेबस में, ऐसा नहीं कि कुछ उठ रहा, बेसिक ना, हाई फाई बेसिक। कंप्यूटर तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर जगह उपयोग, ये लिखा है ना कंप्यूटर का उपयोग, एक क्वेश्चन बार बार आता है आपका, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है करके, और इसका आंसर क्या रहता है, डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो जबरन देगा, खेती, चिकित्सा, रक्षा, कहाँ नहीं होता कंप्यूटर का उपयोग, हर जगह होता है। अभी आया था खेती, तो उसको भी लिया था, क्यों नहीं कर सकता, ड्रोन से आजकल खेती हो रहा है, छिड़काई हो रहा है, तो सब उपयोग कंप्यूटर का ही तो है आपका, ठीक। कंप्यूटर से सिस्टमेटिक खेती कर सकता है वो, तो ये सब आया था, तो ये क्वेश्चन कन्फर्म रहता है आपका, बेसिक्स आपका, इनपुट आउटपुट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखेंगे कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा फ्री है, कौन सा पैड है, ठीक, कौन सा आपका कमर्शियल है, कौन सा मल्टीटास्किंग है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है आपका। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन आता है, सिलेबस में दिया नहीं है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी, मशीनी भाषा, कंप्यूटर एक मशीन है तो उसको मशीनी भाषा बोलते हैं, और बाइनरी इसलिए क्योंकि 0 और 1 से बना है वो, ठीक, बाइनरी। तो कोई ना कोई तो आपको कौन करेगा, हम लोग काम करेंगे, जो प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना उसको 0 1 में, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी चाहिए रहता है, ठीक। तो एक लैंग्वेज चैप्टर इसीलिए पढ़ा जाता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर है, वो वीडियो को देखना आप लोग, बहुत कुछ बता दिया उसमें मैं यूट्यूब वाले में, आपका 4-5 क्वेश्चन तो उसी से तैयार हो जाएगा, टीचर के जो 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया था उसमें। तो ये आज का पहला चैप्टर, हम लोग बेसिक इंट्रो खत्म करते हैं आज, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन सिंपल सा आएगा एकदम बेसिक सा। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन है ये, इसको आज मत लिखो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक, इसको घर जाकर नोट कर नहीं लेना, लेकिन सिलेबस को भी लिख लेना अच्छे से। तो कंप्यूटर याद रखना कि कंप्यूटर बताया ना, सबसे बेसिक कंप्यूटर बना किसके लिए था, कैलकुलेशन के लिए, गणना करने के लिए। तो कंप्यूटर बना है ग्रीक के कंप्यूट से, जिसका अर्थ है गणना करना, ग्रीक ही याद रखना, कई लोग लैटिन भी बताते हैं लेकिन ग्रीक ही आंसर लेना है, ठीक। कई लोग ग्रीक के लैटिन ऐसे लिख देते हैं बचने के लिए, ठीक, लेकिन ग्रीक ही लेना है क्योंकि ग्रीक पुराना लैंग्वेज है, जैसे हमारा हिंदी बना है संस्कृत से, संस्कृत से टूटते टूटते अभ्रंश अभ्रंश, ठीक, पाली प्राकृत अभ्रंश, बस वैसी अंग्रेजी भी कई भाषाओं से मिलकर बना है, आजकल की ही भाषा है अंग्रेजी, ठीक, जैसे हिंदी अभी अभी की भाषा है, तुलसीदास वगैरह अकबर के समय की भाषा है, आपका हिंदी का विकास उसी समय हुआ था आपका, बस वैसे ही आपका अंग्रेजी भी है आपका। तो कंप्यूटर बना है ग्रीक के कंप्यूट से, गणना करना, तो ये जानना आप लोग, ठीक, हिंदी में संगणक। दूसरा इसका डिफिनेशन याद रखना है आप लोग को,
जो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनेशन ये वाला नीचे वाला, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, ठीक। तो जहां पे ऑटोमेटिक नहीं रहा मतलब वो कंप्यूटर ही नहीं है। सबसे कंप्यूटर की पहली विशेषता है कि वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर काहे का कंप्यूटर, सब चीज आप ही करके दे रहे हो तो, ठीक। ये है आपका ऑटोमेटिक होना, उसका सबसे बेसिक विशेषता है आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक। ये आपका डिफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, आप इसमें इनपुट देते हो, ठीक। फिर वो भंडारित करता है, स्टोर करता है, और इनपुट या निर्देशों के अनुरूप उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, और आप आउटपुट के जरिए आपको परिणाम देता है करके, ठीक। ये हम लोग आगे देखेंगे, उसके जो प्रोसेस है उसकी कार्य प्रणाली में देखेंगे हम लोग, वो वहां भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कंप्यूटर के कंपोनेंट, आपको कंप्यूटर में दो चीज दिखता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। तीसरा एक डेटा भी लिख देते हैं, लेकिन दो मेन है आपके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा, डेटा का आगे देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल से डिफिनेशन आप देखते यार हो, बहुत भौतिक भाग है जिसे हम देख और छू सकते हैं, ठीक। ये आपके सारे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, अंदर में भी जो लगा है आपका, जरूर थोड़ी कि बाहर से ही दिखेगा, अंदर में भी मदरबोर्ड में जो एक एक सर्किट लगा है, सब क्या आपके रैम रोम सब क्या है आपके हार्डवेयर है, ठीक। सब आपके हार्डवेयर है, तो याद रखना। सॉफ्टवेयर जो आपको ये विशिष्ट डिफिनेशन इसको खर नहीं पूछेगा, जिसको छू नहीं सकते वाला, बस वही आपको डिफिनेशन याद रखना है, चाहे कोई भी हो। सॉफ्टवेयर डिटेल देखेंगे, पूरा चैप्टर है आपका। तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसे आपका एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ खास एप्लीकेशन के लिए बनाया है। एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है एंटीवायरस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम ही है उसका, जिसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। बिना एंड्रॉइड के आपका फोन कुछ काम का है, बिना विंडोज के आपका कंप्यूटर कुछ काम का है, नहीं है। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना आपका कंप्यूटर काम का ही नहीं है, ठीक। जिसके बिना आपका सिस्टम कुछ नहीं है, ठीक, तो वो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में है, मतलब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में है, मतलब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका बेसिक क्या काम करता है, कुछ कुछ उसके फंक्शन, उसके मेनू में क्या क्या होते हैं, बस सरल सा क्वेश्चन आएगा, आपको चलाने नहीं बोलेगा। एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है बोलेगा, फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है बोलेगा, ठीक। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक। ये सब सरल सा क्वेश्चन ही पूछेगा इसमें, बहुत डीप में नहीं जाना है आपको एमएस ऑफिस में। यूटिलिटी मतलब होता है आपका यूज शब्द से बना है, उपयोग से, यूटिलिटी मतलब, ठीक। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी उपयोगिता, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, आपके काम को आसान करना। आज के डेट में हम लोग ये बोलेंगे, पहले तो खाली गिनती जोड़ घटाव करने के लिए बना था, आजकल तो हर काम को आसान कर रहा है कंप्यूटर एक। तो हमारे जो यूटिलिटी को बढ़ाए, कंप्यूटर को हमारे लिए और फायदेमंद बनाए, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस आपको सुरक्षा से बचाता है, आपको काम को फास्ट करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। फाइल मैनेजर, आपको पता है कि मेरे को इमेज में यहाँ सेव करना है, वीडियो को यहाँ सेव करना है, आपको हेल्प कर रहा है, तो ये सब चीज क्या हो गया आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो आपकी यूटिलिटी को बढ़ाए, कंप्यूटर को आपके लिए और ज्यादा उपयोगी बनाए, ठीक। तो ये चीज याद रखना, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा, ठीक। तो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिफिनेशन बेसिक से रहता है आपका। डेटा देख लो, डेटा यहाँ से क्वेश्चन एक बार आता है आपका, मिलेगा नया नया टाइप का एक, इसको याद रखना कि डेटा ये रहता है आपका अव्यवस्थित, जो सिस्टमेटिक नहीं रहता, और ये प्रोसेसिंग के बाद बन जाता है क्या, इंफॉर्मेशन। कितने बार ये क्वेश्चन आया है, जैसे इनपुट प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है, वैसे ही आपका डेटा, इनपुट में आप क्या करते हो, डेटा ही डालते हो, लेकिन बाद में आपको एक नॉलेज मिलता है, एक सूचना मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक। जैसे मेरे को क्लास के लोगों का रिजल्ट बनाना है, सबका नंबर है मेरे पास, सबका नाम है, नंबर है, ये सब क्या है, डेटा है एक एक, उसका अपना अपना अलग उपयोग है क्या, नहीं है। इसीलिए वो एग्जाम में कई बार आया है, अव्यवस्थित तथ्यों के संकलन को या कच्चे तथ्यों के संकलन को, ये देखो अव्यवस्थित, अव्यवस्थित संकलन सीधा पूछेगा क्या बोलते हैं अगर, तो डेटा मतलब एक एक आंकड़ा डेटा, ठीक। जब उसको हम लोग व्यवस्थित कर दिए, सिस्टमेटिक जमा दिए, प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन जाता है, सूचना, ठीक। सबका डेटा है, नंबर है मेरे पास, सबका मैं नोट किया, एक अच्छा टेबल बना दिया, नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, वो क्या बन गया, सूचना बन गया। मैं इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग,
डेटा का प्रोसेस कर दिया मैं, फिर वो बदल गया मेरे को इंफॉर्मेशन में, सबका एक लिस्ट निकाल दिया मैं, ठीक। तो याद रखना कई बार एग्जाम में आया है कि अव्यवस्थित या रॉ फैक्ट्स या कच्चे फैक्ट्स को क्या बोलते हैं, तो डेटा बोलते हैं। प्रोसेसिंग के बाद या व्यवस्थित करने के बाद क्या बन जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, सूचना बन जाता है, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, या उल्टा भी बोल देता है, इंफॉर्मेशन किससे बनता है, डेटा से, ठीक। अव्यवस्थित बोल दे, तर्कविहीन बोल दे, कच्चे तथ्य, समझना है आपको डेटा के बारे में बात कर रहे हैं करके। अब डेटा तीन प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपके न्यूमेरिकल जो नंबर में होंगे, ठीक। कैसे पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन, किसी शहर का पिन कोड किस प्रकार का डेटा है, किसी का फोन नंबर किस प्रकार का डेटा है, न्यूमेरिक है, केवल नंबर है इसमें, ठीक। किसी, अभी अल्फाबेटिकल ये थोड़ा गलत हो गया आपका, अक्षर अक्षर बोल सकते हो, अक्षरीय डेटा या अक्षरात्मक डेटा, जो आपका किसी का नाम, किसी का नाम क्या है, ठीक, क्या ये अल्फाबेटिक डेटा बोल सकते हो, नाम है किसी का, ठीक। अब अगर आपको पूछ दिया बिसाहू, उसका घर का पता मंगल भवन, ठीक, दारू भट्टी के पीछे, पिन कोड 495666006, ये क्या हो गया आपका, इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, हालांकि ये सबसे नहीं आता। तो डेटा तीन प्रकार के होते हैं आपके, एक तो नंबर जिसको न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं, अक्षर मतलब अल्फाबेटिकल जो अक्षर से बना होगा, और पूछ देगा, मान लो एक आपको एग्जाम्पल ऐसी दे देगा जिसमें दोनों रहेगा, तो ये किस प्रकार का डेटा है, तो अल्फा न्यूमेरिक, इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, ठीक। तो इस टाइप का पूछ सकता है, हालांकि ये सब नहीं आता, ठीक। तो याद रखना इन लोग ऐसा पूछ सकता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है विद्यार्थियों का नंबर, सैलरी, ये सब नंबर में रहेंगे, न्यूमेरिक डेटा है आपके, उल्टा लिखा गया है पूरे यहाँ पे, ये रिपीट हो गया है, ये गलत हो गया है, तो इसको ध्यान मत देना, इसको ये गलत है आपका, ठीक। अब दोनों रहेगा, ये समझने की बेसिक सा चीज है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में आप लोग का, ठीक। तो इसको याद रख लेना भैया, इंस्ट्रक्शंस से बनता है आपका इंफॉर्मेशन, अरे पूरा उड़ गया क्या, ठीक। इसमें याद रखना है आप लोग को, एक तो डेटा इंफॉर्मेशन को याद रखना, बाकी काम की चीज नहीं है उसको डिलीट कर देता हूं। तो ये बेसिक सा है आपका, डेटा इंफॉर्मेशन को याद रखना कि अव्यवस्थित तथ्यों को क्या बोलते हैं और व्यवस्थित को क्या बोलते हैं, तो डेटा इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये डेटा जो प्रोसेसिंग होने के बाद बन जाता है आपका इंफॉर्मेशन। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है आपका, सूचना बन जाता है, ठीक। कच्चे तथ्य या बोल देगा, या अव्यवस्थित तथ्यों को, अव्यवस्थित, तो किसी भी तरीके से बोल सकता है, अव्यवस्थित तथ्यों को, कच्चे तथ्यों को, ठीक, तर्कविहीन तथ्यों को, ऐसा कई तरीके से पूछा एग्जाम में। तो डेटा कुछ भी आपके पास आंकड़ा है वो डेटा है, क्योंकि उसका भी मतलब ही नहीं है अकेले, ठीक। उसको हम लोग प्रोसेस करके एक अच्छे कुछ बना देते हैं उसका, चाहे मैं हाथ से करूं या सिस्टम में, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक। सबका नंबर है, मैं बढ़िया रिजल्ट बना दिया, टेबल बना दिया, सबका लिस्ट बना दिया, मैं काम कर रहा हूं डेटा प्रोसेसिंग का, ठीक। वो बन गया एक सूचना, कितने लोगों का रिजल्ट आ गया, ये नंबर वन है, ये दूसरा है करके, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो ये हो गया आपका डेटा से इंफॉर्मेशन में बदलना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कई बार आ चुका है इसमें, देखो इंस्ट्रक्शंस के समूह को बोलते हैं प्रोग्राम, एग्जाम में आपका डायरेक्ट आएगा। अनुदेशों के समूह को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सीधा सीधा आपको पूछा है एग्जाम में, ठीक, होता क्या है। अब देखो कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इंजीनियर है, कोडर जिसको बोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, किसमें बनाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। देखोगे आप लोग कोई पीजीडी से किए होगे, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, C++ लिखते हैं कुछ भी बनाने के लिए। ये क्या है आपका, एक एक लाइन क्या है, इंस्ट्रक्शंस है कि कंप्यूटर को क्या करना है करके बता रहे हो आप उसको, इंस्ट्रक्शंस, आदेश, निर्देश, जो भी बोल दे, आप उसको अनुदेश दे रहे हो, ठीक। यही क्या है, इंस्ट्रक्शंस है उसके, अनुदेश, समझ गए। उसी को फिर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन बल्कि क्या बन जाता है, प्रोग्राम आपका। एक मान लो आप MS Word बना रहे हो, ठीक,
सब एक एक उसके लिए कोडिंग की है, आप लोग एक एक उसके इंस्ट्रक्शंस है कि भाई ऐसे काम करना, यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये काम करना करके, आप उसको प्रोग्रामिंग बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो सारे इंस्ट्रक्शन मिलके बन जाते प्रोग्राम कि हाँ वो बन गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कॉपी होगा, ये नया पेज आएगा, ऐसा करके ठीक। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर पूरे वर्ड बनेंगे आपके सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है आपका। तो याद रखना, एग्जाम में कई बार आया है कि प्रोग्राम बोल दे उसका मतलब सॉफ्टवेयर ही है, ठीक, कोड बोल दे उसका मतलब इंस्ट्रक्शन ही है। कई बार पूछा है वायरस क्या है करके, तो सॉफ्टवेयर भी पूछा है, वायरस क्या है कोडिंग प्रोग्राम है बोल करके भी पूछा है आपको, तो प्रोग्राम के समूह को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो याद रखना, सीधा एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपका कि इंस्ट्रक्शंस के अनुदेशक समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ये डायरेक्ट एग्जाम में आया आपका, तो ये याद रखना इसको, ये इसी चीज को लिखा भी है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को जो कोडिंग करते हैं अनुदेश कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, कंप्यूटर को दिए जाने अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर किया जाता है जो अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं आपके। तो ये बेसिक्स आपका, ठीक, ये आपका सिंपल सा चीज है, ये याद रखना आप लोग को, बहुत लोग गलती कर देते हैं छोटा छोटा चीज में इसमें। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर का जो चार मेन बेसिक काम है वो क्या चीज है आपका, एक तो इनपुट आपको पता ही है कि हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है दूसरा, तीसरा रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं इसका स्टोरेज को, बिना स्टोरेज के काम ही कैसे करोगे, फोन में आप काम कर रहे हो, रैम में काम कर रहे हो आप, वो भी एक तो स्टोरेज है, मेमोरी है, बिना मेमोरी के आपका काम कहाँ होगा, बिना जगह के आपका, ठीक। तो याद रखना, स्टोरेज को भूलना मत, इन चारों को छोड़ और कुछ दिया एग्जाम में, दे भी दिया था डेटा एनालिसिस, तो भैया गलत करना था इसको, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फंक्शन में क्या क्या शामिल है, इनपुट आउटपुट दे दिया था, डेटा एनालिसिस दे दिया था, प्रोसेसिंग दे दिया था, तो डेटा एनालिसिस नहीं करेगा ना वो, ठीक, ये चार चीज ही के छोड़ कुछ भी आए अगर, तो हमको आंसर गलत करना है भाई उसका, यही बस आंसर लेना है हम लोग को, ठीक। तो आपसे याद रखना कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो जानते ही हैं, स्टोरेज भी, क्योंकि काम करेंगे हम लोग इनपुट करेंगे, स्टोर करके ही रखेगा प्रोसेस होते तक, प्रोसेस होगा उसके लिए भी स्टोरेज चाहिए, आउटपुट होगा उसके लिए भी स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको याद रखना आप लोग। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग, और स्टोरेज, चार ही होता है फंक्शन कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आते हैं, स्टोरेज को भूल जाते हैं, ठीक। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर की विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट तो गति, कंप्यूटर फास्ट होता है, हम लोग से तो फास्ट होता ही है, ठीक, एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, ठीक, इसी को हम लोग देखेंगे MIPS में, ठीक। जानते हैं MIPS का फुल फॉर्म, मिलियन, देखो क्या लिखा है, एक सेकंड में, मतलब PS का तो पर सेकंड हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शंस, एक सेकंड में लाखों अनुदेशों को हमारा पूरा कर रहा है वो, अनुदेश को, कोड को, ठीक। तो MIPS याद रखना है। दूसरा, प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी में रहता है, क्योंकि वो, तो दो चीज यहाँ पे आप लोग अलग से इसको देखना भैया, ध्यान देखें, प्रोसेसर की अलग से लिख दे रहा हूं, प्रोसेसर की स्पीड को नापते हैं किससे, प्रोसेसर की गति या स्पीड को नापते हैं किससे, हर्ट्ज से, सीधा उसका यूनिट लिख देता हूं आपका, हर्ट्ज से ऐसे लिखते हैं, ठीक। और कंप्यूटर की गति बोलेगा, कंप्यूटर की गति बोलेगा तो MIPS, ये कंफ्यूजन मत रहे दिमाग में, प्रोसेसर मतलब हर्ट्ज, ठीक, इसको देख लो, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है आपका। अब हर्ट्ज की जगह आपको कभी मेगा हर्ट्ज भी लिख देगा, गीगा हर्ट्ज भी लिख देगा, उसका मतलब हर्ट्ज ही तो है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना कि हर्ट्ज ही पढ़े थे करके, अरे भैया हर्ट्ज बहुत छोटा होता है, आजकल तो हम लोग फोन में यूज करते हैं 1.3 GHz प्रोसेसर ऐसा करके बताते हैं, ठीक, तो क्या है वो, प्रोसेसर है उसका, ठीक। तो प्रोसेसर बहुत आगे बढ़ चुका है, हर्ट्ज से बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग मेगा गीगा में, ठीक। तो ये सब याद रख लेना, प्रोसेसर मतलब याद रखना है कि हर्ट्ज में नापते हैं, और कंप्यूटर की गति बोलेगा तो MIPS, MIPS का फुल फॉर्म याद रख लेना भैया, MIPS होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शंस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस मतलब हमारे लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में सॉल्व कर देता है, पर सेकंड, MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो याद रखना, कंप्यूटर की गति को MIPS से नापते हैं। आज मैं सुपर कंप्यूटर लिखाऊंगा आप लोग को, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, क्योंकि भारत का भी 2-3 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में आया है आपका, कैरावत, प्रत्युष, मिहिर, ठीक, परम सिद्धि,
एक उसको नोट कराऊंगा आप लोग को, वहां से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। तो याद रख लेना कि प्रोसेसर की स्पीड किस बनाते हैं, हर्ट्ज से, फ्रीक्वेंसी, चाहे आप कुछ भी हर्ट्ज बोल दे, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, जो भी आपको बोल दे। कंप्यूटर कहती है MIPS, MIPS का फुल फॉर्म भी जानना है आप लोग को, ठीक। तो कंप्यूटर की एक विशेषता होती है गति। दूसरा होता है, बताया था बेसिक सा, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं है तो क्या मतलब फिर उसको कंप्यूटर होने का, ठीक। आप काम कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, ऑटोमेटिक प्रोसेस करके रिजल्ट दे रहा है वो, ठीक। नहीं रहा तो कुछ भी बोल देंगे उसको, कंप्यूटर तो बोल ही नहीं सकते। त्रुटि रहित कार्य मतलब एक्यूरेसी, तो अंग्रेजी शब्द भी पूछता है इसके एग्जाम में। इसको क्वेश्चन कैसे आता है इसका, कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता जिसमें वो कभी गलती नहीं करता, ठीक। तो कौन सी विशेषता है उसकी, एक्यूरेसी मतलब त्रुटि रहित काम करने की उसकी विशेषता, ऐसे क्वेश्चन आता है। विविधता आपका, कंप्यूटर क्या एक प्रकार का काम कर सकता है, नहीं भैया, हर चीज का वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो आप लोग, उससे वर्ड बना रहे हो, कई प्रकार के काम कर रहे हो, हर जगह उपयोग हो रहे हैं। तो ये हो गया विविधता। आपको ऐसे पूछेगा, कंप्यूटर के हर क्षेत्रों में काम करने की क्षमता उसकी कौन सी विशेषता कहलाती है, विविधता करके, ठीक। तो ये सब उसका याद रखना है आप लोग को। शुद्धता हो गया, शुद्धता भी आपका एक्यूरेसी में ही आएगा, बोल सकते हो। त्रुटि रहित कार्य को शुद्धता बोल देते हैं, एक्यूरेसी को, ठीक। स्फूर्ति मतलब थकता नहीं है वो, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं आपका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिलीजेंस करके। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता जिसमें कंप्यूटर कभी आपका थकता नहीं है, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा आप, ठीक। जैसे जिस भाषा में आप पढ़ोगे उसमें क्वेश्चन आएगा, नहीं जरूरी कि वैसे ही आए, ठीक। इसलिए भाव को समझना, उसका भाई बोलना क्या चाह रहा है। तो डिलीजेंस, स्फूर्ति, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ऐसा बोले, मतलब स्फूर्ति डिलीजेंस की बात कर रहे हैं, या कुछ और भाषा में लिख सकते हैं, कुछ और शब्द में। गोपनीयता, गोपनीयता मतलब क्या होता है आपका, सिक्योरिटी या सिक्रेसी बोल देते हैं, सिक्योरिटी, सिक्रेसी, पासवर्ड प्रोटेक्शन, आप अपने डेटा को पासवर्ड डाल के सुरक्षा कर सकते हो, तो ये भी आपका है गोपनीयता, याद रखना, ठीक। तो गोपनीयता ये सब विशेषता है इसकी, ठीक। ये सब ज्यादा पूछ काम को आप कितने बार करा लो, मना नहीं करेगा वो, ठीक। जैसे हम लोग भी मना नहीं करते, चौथा क्लास है कंप्यूटर का, ठीक, फिर भी मना नहीं करते, बस हम लोग भी ऐसे ही बन जाए, धीरे धीरे कंप्यूटर बन रहे हैं। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, ठीक, तो यह बेसिक्स आपका। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की भरोसा कर सकते हो आप, जो रिजल्ट दिया वो गलत नहीं है करके, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी है उसका आंसर। आपको हमेशा यहाँ आप इनपुट करो, दूसरे इनपुट करो, उसका आउटपुट सेम ही रहेगा जब आप इनपुट, अगर आपका सेम है तो, ठीक। इसी को बोलते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी आपका। तो ये बेसिक सा कुछ कुछ जानना, ये बुक में भी आप लोग को मिल जाएगा। भंडारण क्षमता, एक तो बड़ा होता है और स्थायी होता है, हम लोग भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलता, एक बार स्टोर करके आप सेव करके रख लिए, ठीक। स्थायी भंडारण क्षमता होती है, विशाल होती है, जितना चाहे आप उतना स्टोरेज लगा लो, तो कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक। देखिए हम लोग एक जमाने में हम लोग 512 MB का मेमोरी कार्ड लेते थे, अब तो देखो फोन में घूम गए, 128 GB तो फोन में दिया रहता पहले से, फिर अलग से मेमोरी कार्ड और डाल लो जितना भी। तो ये है आपका भंडारण क्षमता, कोई लिमिट नहीं है आपका, स्थायी रहता है, भूलता नहीं है वो, ठीक। कि ये सेम है आपका, तीव्र निर्णय क्षमता, तीव्र गति से प्राप्त करना, बेसिक सा। पेपरलेस वर्क, कागज रहित कार्य आपका, आपके काम को आसान कर दिया, आपको कागज की आवश्यकता नहीं है, ठीक। बोर्ड से ही आप लोग सीधा सीधा पढ़ ले रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगा इसका। कंप्यूटर को उपयोग, ये बताया था ना, आपको ऑप्शन डी आएगा, इसमें मार देना, ठीक, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी करके, कहा नहीं होता उपयोग, ठीक। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म है, यहाँ से आएगा, आप कुछ भी ऑप्शन देगा, रक्षा में, डिफेंस, साइंस में आपका, उद्योग में, व्यापार में, कंप्यूटर का कहाँ उपयोग नहीं होता, प्रशासन मतलब गवर्नेंस, एक शब्द आता है ई गवर्नेंस, ये भी पूछा है आपका, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है करके। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रशासन में उपयोग करना, गवर्नेंस में उपयोग करना, ठीक। सरकार आजकल ऐप को उपयोग कर रही है अपने काम में, घर बैठे बैठे आप लोगों को कई सारे सर्विस दे रही है, क्या है आपका, ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका, डिजी लॉकर वगैरह आपका जो हो गया, ठीक। घर बैठे सीधा आपको जरूरत नहीं है कि रोड में निकलूं तो मैं पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेके निकलूं, ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस रखूं अपना, फिर आपका RTO RSC रखूं, बुक आपका, गाड़ी का इंश्योरेंस रखूं। सोचो एक मोबाइल में दिखा देता हूं कि भाई सब चीज है करके, ये क्या है आपका, प्रशासन में मेरा मदद किया, वो कंप्यूटर का उपयोग हुआ, ई गवर्नेंस। तो हर जगह उपयोग है, कहानी है आपका, स्पेस, चिकित्सा, ठीक, आजकल तो रोबोट से सर्जरी कर रहे हैं रोबोट लोग आजकल, चिकित्सा विज्ञान सब कंप्यूटर से है आपका, डिजाइनिंग बोल सकते हो, कैड कैम, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण वगैरह में सारे मशीन बन रहे हैं आजकल, कंप्यूटर से बन रहे हैं, रोबोट से बन रहे हैं आपके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम, ठीक। ये याद रखना, सीमाएं में एक बुद्धिहीन होना,
कंप्यूटर के बुद्धिहीन होने का मतलब क्या है? कंप्यूटर के बुद्धिहीन होने का मतलब क्या है? आया है एग्जाम में, जिसके पास बुद्धि नहीं है, मेमोरी तो है उसके पास, उसके पास जो आप डाल के दे दोगे वो करेगा ही काम, उसको पता है ना कि मेरे को इसके बाद क्या करना है, उसके पास मेमोरी तो है, उसके पास बुद्धि है। बुद्धिहीन होने का मतलब क्या है? कि वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, खुद के निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक, कि कंप्यूटर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी पूरा करेगा, ठीक, धीरे धीरे कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी तो आदमी ही बनाएगा ना कि करना क्या है उसको करके, रोबोट मूवी टाइप का, फिर अपने हिसाब से सब कुछ करने लगेगा वो। तो इसका सबसे फेमस लिमिटेशन है आपका, सीमा है, याद रखना कि बुद्धिहीन, कंप्यूटर खुद का निर्णय नहीं ले सकता, ठीक, आप पे ही निर्भर है वो, स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, इसको बोलते हैं बुद्धिहीन होना कंप्यूटर का, ठीक, लैक ऑफ इंटेलिजेंस बोल सकते हो, ठीक, इंटेलिजेंस नहीं होता उसके पास करके, खुद के सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तो ऐसा घुमा भरा खर्चीला होता है, खरीदना तो पड़ेगा ही, ठीक, हम लोग भले रमन सिंह दे दिया था, खर्चीला होता है, एक एक पार्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट है, तो जबरदस्ती लिखते हैं इसको, पावर चाहिए, वायरस का खतरा, ठीक, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये डेटा ही उड़ जाएगा आपका अगर हैक हो गया, कुछ हो गया, ठीक। अब ये रैंसम वेयर आया था, सुने थे? एक नया अभी एक दो साल पहले आया था, ये सब साइबर थ्रेट है, ये कंप्यूटर बंद आपका, फिर पैसा मांगता था तभी चालू होगा, कोई और ऑप्शन नहीं। रैंसम मतलब क्या होता है? फिरौती, किडनैप करके रैंसम, मतलब वही तो होता है आपका, फिरौती मांगते हैं, तो ऐसा ऐसा चीज होता है आजकल, तो बस वैसी है कि आपका डेटा पूरा खत्म हो सकता है, करप्ट हो गया, कुछ वायरस आ गया, पूरा फाइल डिलीट हो सकता है आपका, ठीक, तो ये सब वायरस का खतरा है, उससे बहुत जानकारी की चीज भी आपका खत्म हो सकता है, तो ये तो इसका लिमिटेशन अभी भी है, ठीक, कुछ भी बोल नहीं सकते कि आपका कब क्या हो जाए। बड़े बड़े गवर्नमेंट का खुद कंप्यूटर डिपार्टमेंट साइंस का ही वेबसाइट को हैक कर दे रहे हैं कि, ठीक, देखे तो हो, तो ये सब आजकल वायरस का खतरा तो आपका रहेगा ही। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आएगा। अब ये वन एंड फैक्ट है आपके, तो याद रखना भैया, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट, वो एक और क्वेश्चन है आपका, अर्पानेट, 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग का एक ऑफिस है जिसको, जो नेटवर्क बनाया था। अब नेटवर्क मतलब ये थोड़ी कि इंटरनेट ही होता है, ठीक, या मोबाइल का नेटवर्क ही होता है। मैं अगर वाईफाई ऑन करूं, अपना हॉटस्पॉट ऑन करूं, आप लोग कनेक्ट हो गए, क्या बन गया? नेटवर्क बन गया, ब्लूटूथ से हम लोग जुड़ गए, नेटवर्क बन गया, ठीक, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एक ऑफिस के अंदर सब सिस्टम जुड़े हैं, ये भी एक नेटवर्क है आपके, ठीक, लैन वगैरह से जुड़े होते हैं, ठीक, शहर जुड़ा है पूरा एक दूसरे से, वैसे पूरा विश्व जुड़ा है, इसीलिए इंटरनेट मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, पर दुनिया जुड़ गया उससे, तो बस वही बात कर रहे हैं। तो दुनिया का पहला नेटवर्क स्थापित हुआ था आपका, ये हम लोग इंटरनेट में फिर पढ़ेंगे इसको दोबारा, अर्पानेट था दुनिया का पहला नेट, और ये 2 दिसंबर को ही बना था आपका अर्पानेट, कहां? अमेरिका के रक्षा विभाग का जो ऑफिस था, डिफेंस ऑफिस जो था उन लोग का, वहां स्थापित किया गया था पहला नेटवर्क, तो याद रखना, उसी के याद में, मतलब उसी की मेमोरी में मनाते हैं हम लोग 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि मेरे बहुत कुछ हाई फाई कंप्यूटर ही बना लूं मैं, ठीक, मेरे को बस उसके बेसिक क्या क्या काम हो सकते हैं उसकी जानकारी होने को बोला जाता है कंप्यूटर साक्षरता, ठीक, ये लिखा हुआ है आपका। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना, कि वो क्या क्या कर सकता है। नॉर्मल अगर आप चालू करके बंद भी कर ले रहे हो तो आपको कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा, ठीक, ये है आपका बेसिक से काम कर ले रहे हो, ठीक, कंप्यूटर साक्षरता। उसके बाद आप लोग को जानना है 2 डेट आपका, 1856, 56 इंच का सीना याद रख लेना, और 30 जोड़ के फिर 1986, दो ठो, ठीक, 56 याद रखना है कि भारत में पहली बार कंप्यूटर आया, ठीक। तो भारत में पहली बार कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? बोलेगा ISI, याद रखना है, कलकत्ता, ये लिखा भी हुआ है ऊपर में, ठीक। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल ISI सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, तो पहले जमाने में याद रखना कलकत्ता बड़ा शहर हुआ करता था, दिल्ली तो 1912 में राजधानी बनी है, ठीक, कलकत्ता की ऐसी याद रखना कि पहले कलकत्ता में आया था करके, कहां? ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता में 1956 में। 30 साल बाद भारत में बना के हम लोग पहली बार एक कंप्यूटर बनाए, खुद में बनाया, सिद्धार्थ कंप्यूटर लगाया हम लोग, हेड पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर बैंगलोर में। तो ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीधा सीधा, और कुछ मत पढ़ना, ये दोनों ही पूछेगा पूछेगा। तो पहली बार लाया गया कलकत्ता में, फिर 30 साल हम लोग उपयोग नहीं किए थे ऐसा टाइप का, ठीक, लाग रख दिए थे। ये सब ISI कलकत्ता में नेहरू के समय की बात है। अरे कांग्रेस वाले बोलते होंगे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे करके, ठीक, वही है ये जो लाए थे,
सिद्धार्थ जो, ये भारत में बना पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ, यही लगा था आपका 1986 में। तो बोलेगा आपको भारत में विकसित, भारत में डेवलप किया हुआ, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है? गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। ठीक, तो याद रखना है आप लोग को, ये बेंगलोर में ही रखा गया था सिद्धार्थ को, वही जो भारत का पहला प्रयोग में लाया गया कंप्यूटर। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखो 86 में हमारे हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करना चालू किए। ठीक, कंप्यूटर का पहला प्रयोग किया गया बेंगलोर बोलोगे 1986 आप, और 5 साल में ही हम लोग सुपर कंप्यूटर बना लिए। देखो कितना, मतलब भारत के वैज्ञानिक जो महान लोग हैं आजकल। ठीक, 1991 में हम लोग क्या बना लिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। कई बार एग्जाम में है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 याद रखना है आप लोग को। बहुत सारे परम दिखाऊंगा अभी आप लोग, वो भी कब बना था, 5 साल बाद 1991 में। ठीक, तो 1991 में हम लोग बना लिए भैया परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब पूरा हम लोग सुपर कंप्यूटर को आज लिख लो अच्छा सा, बुक वगैरह मिलता नहीं उसके बारे में। इसमें एक जानना कि भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए मोदी के आने के बाद 2015 में एक बनाया गया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन, कि सुपर कंप्यूटर को और फास्ट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए करके एक मिशन चलाया गया। ठीक, बहुत सारे डिपार्टमेंट साइंटिस्ट लोग मिलके सरकार की मदद से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, बस जानना है 2015 और कुछ नहीं जानना है। ठीक, 2015 में चालू किया गया, और इस मिशन के तहत पहला जो बनाया गया कंप्यूटर वो था महादेव के नाम पे आपका परम शिवाय। ठीक, परम शिवाय, तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन आया 2015 में, और उस मिशन के तहत बनाया गया आपका सबसे पहला कंप्यूटर था परम शिवाय, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ये सब भी नोट करेंगे हम लोग, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपका। दुनिया का पहला याद रखना है सीमोर क्रे बनाया था, क्रे 1, ये सब हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर कहाँ है, तो अमेरिका में। सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ है, अमेरिका में। सबसे फास्ट कौन है, अमेरिका, बस वो मारना ही है आपको। ठीक, दुनिया को लड़वा के पैसे कमा रहा है, वो सब बना रहा है अपना। ठीक, इसराइल की ये सब देखे ही होंगे, और दुनिया मंदी है, लेकिन अमेरिका बढ़िया कमा रहा है, हथियार बेच दे रहा हो तो तू बचने के लिए जरूरी करके, तो ये फायदा रहता है अमेरिका का, दुनिया डूबे डूबे उसको फायदा होता है। चलो एक सुपर कंप्यूटर के एक पर नोट कर लो, जो आपको मिलता नहीं है एक नोट्स आपका, थोड़ा लिखना बढ़िया, जितना पीडीएफ मिलेगा उसको भी जाके नोट करना ही आप लोग। नहीं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं पीडीएफ बहुत कम बताता हूँ नेहा, मैं लिखवाने वाला आदमी हूं, मैं थक जाओगे लिखवाऊंगा इतना। ठीक, मैं ये सब पीडीएफ वगैरह बिलीव नहीं करता, लिखवाता हूँ बकायदा मैं। ये बेसिक था इसलिए। ठीक, तो लिखो सुपर कंप्यूटर, लिखना बहुत जरूरी है, एक हर चीज आपके नोट्स में होना चाहिए, और आपके पास अभी समय है, तैयारी वैसी रहे कि आपको और कुछ देखना मत पड़े। ठीक, तो देखो होता क्या है सुपर कंप्यूटर, जैसे हमारे प्रोसेसर लगा है आपका माइक्रो प्रोसेसर, तो सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत फास्ट होगा, बहुत बड़ा होगा, तो उसमें तो हजारों प्रोसेसर लगे होंगे, तो लिख लेना, याद रखना आप लोग, हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें करके। तो पहला तो ये लिख लो, अत्यधिक तीव्र स्पीड लिख लो, बहुत फास्ट होता है ये, अत्यधिक तीव्र गति, हजारों प्रोसेसर, ये इसकी विशेषताएं है, मान लो कभी पूछ दिया तो, हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें, तो एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, हजारों प्रोसेसर, बहुत ही हाई प्रोसेसिंग स्पीड बोल सकते हैं, तीव्र गति वाला होता है। ठीक, तो याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग तो सब होते हैं आजकल, तो ये सब याद रखना आप लोग को। हजारों प्रोसेसर को लिख लो समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है, लिख लो, ये भी किसी ऑब्जेक्टिव में मिला था मेरे को, हजारों प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़कर, पैरेलल होता है जो, पैरेलल सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है, तो ये पूछ सकता है बेसिक्स आपको कि एक सुपर कंप्यूटर होता क्या है करके। चलो इसको जल्दी निपटाते हैं, फिर आज की क्लास करेंगे। तो याद रखना, इसमें पैरेलल में जोड़ा जाता है बहुत सारे प्रोसेसर को, हजारों प्रोसेसर होते हैं करके। दूसरा इंपॉर्टेंट लिख लो, सुपर कंप्यूटर की गति की गणना, सुपर कंप्यूटर के गति की गणना फ्लॉप्स से की जाती है। तो भैया हम लोग का MIPS से नापते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर में कितना MIPS करते रहेंगे, मिलियन को हम लोग बिलियन ट्रिलियन भी कर लेंगे, लेकिन सुपर कंप्यूटर तो उससे और कहीं ज्यादा फास्ट है। ठीक, सुपर कंप्यूटर में बहुत फास्ट, तो इसलिए एक नया यूनिट बनाया हम लोग फ्लॉप्स, इसका फुल फॉर्म जानना, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग हो गया FL का, फ्लोटिंग पॉइंट,
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो एक तो ये जानो भैया फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की गति की गणना किससे की जाती है पूछेगा, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछेगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ये भी जानना है आपको। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन, ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब देखो ये फ्लॉप को ही पार कर चुका है हम लोग, अभी हम लोग पेटा वेटा के जमाने में चल रहे हैं, पेटा फ्लॉप्स। तो लिख लो वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति, मान लो पूछ दिया एक पेटा फ्लॉप्स कितना होता है करके, वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है, लिख लो। तो लिख लो एक पेटा फ्लॉप्स बराबर, पूछ सकता है ये कठिन करने के लिए, 10^15 फ्लॉप्स। तो सोचो हम लोग कितना आगे निकल चुके हैं, अभी जो भारत का जो सुपर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है या वर्ल्ड का बोल सकते हैं फ्रंटियर, वो पेटा फ्लॉप्स में चल रहा है आपका। तो एक पेटा फ्लॉप्स कितना होता है, फ्लॉप्स से भी 10^15 गुना ज्यादा होता है, 10^15 फ्लॉप्स। ठीक, तो ये याद रख लेना। अगला पॉइंट लिख लो, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन, जो सीमोर क्रे हम लोग देखे थे साइंटिस्ट, तो उसी के नाम पे बना ही है क्रे वन, सीमोर, सीमोर क्रे बनाया था इसलिए इसको नाम है क्रे वन। ठीक, भारत का कौन था अभी बताएं, परम 8000, लिख लो भारत का पहला परम 8000, भूलना मत भैया परम 8000, परम 8000। अब देखो इतना तो देख लिए, भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी कौन है, सीडेक, सुने हो ना। तो पहले तो जानना कहां ये, पुणे में। तो सीडेक का फुल फॉर्म भी पूछता है आपको, ठीक, परम सीरीज के कंप्यूटर पर निर्माता है ये, तो लिख लो परम। जितने भी परम लिख दिया सुपर कंप्यूटर में, मतलब कौन बनाया है वो, सीडेक, परम श्रृंखला या सीरीज के सुपर कंप्यूटर के निर्माता। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा आपको कि भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने सबसे बड़ी एजेंसी कौन है, सीडेक, ठीक, पुणे में है आपका। परम सीरीज के कंप्यूटर कौन बनाता है, जितना आप सुनो परम युवा, परम शक्ति, कुछ भी बोल दे, सब सीडेक बनाया आपका, परम सिद्धि, ठीक, परम शिवाय, जितना भी आपका परम मतलब सीडेक, सीडेक का फुल फॉर्म लिख लो उसका। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या है आपका, सुपर कंप्यूटर है आपका एडवांस कंप्यूटर है आपका, ठीक, तो एसी मतलब हो गया एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ऐसा सेंटर जो आपका एडवांस कंप्यूटर बनाने के लिए, एडवांस कंप्यूटर के विकास के लिए काम कर रहा है, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो ये पुणे में है, याद रखना भैया, परम सीरीज के कंप्यूटर बनाता है। एग्जाम में आया भी है कि परम 8000 कौन बनाया था करके पूछा है, ठीक, 1991 भी याद रखना है कि 5 साल बाद हम लोग बना लिए थे, 86 में हम लोग उपयोग किए पहली बार, 5 साल में हम लोग। अगला लिख लो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक या भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक बोलेगा, सुपर कंप्यूटिंग के जनक, तो याद रखना है आप लोग को नाम, विजय पी भाटकर, विजय पांडुरंग नाम है इनका पूरा, विजय पी भाटकर, यही थे जो 5 साल में भारत को सुपर कंप्यूटर बना के दे दिए, सीडेक के संस्थापक भी थे ये, जो सबसे बड़ी एजेंसी है, सीडेक ही परम 8000 बनाया था, ठीक, तो याद रखना भैया ऐसा ऐसा था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या एडवांस कंप्यूटर जो भी बोल दे, पुणे में है ये, भारत में विजय पी भाटकर इसके संस्थापक थे, सीडेक को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं जाता है, तो ये सब याद रखना आप लोग। उसके बाद कुछ सुपर कंप्यूटर है भारत के परम सीरीज को लिख लो, लिख लो परम पद्म,
परम पद मतलब सी डेक ही बनाएगा। तो ये क्यों खासियत है परम पद्म का? तो देखो फ्लॉप्स होता है सबसे छोटा स्पीड में, हालांकि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के लिए सबसे पहला बेसिक यूनिट था कौन सा? स्पीड का, फ्लॉप्स। ठीक, परम पद्म था ये, टेरा फ्लॉप्स में, टेरा फ्लॉप्स की स्पीड पहुंचने वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। लिख लो स्पीड, लिख लो एक टेरा फ्लॉप्स। तो ये भी पूछ सकता है आप लोग को एक टेरा फ्लॉप्स कितना होता है करके, 10^12 फ्लॉप्स। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखवाऊंगा मैं, और जो लिखूंगा उसको नोट्स भी दूंगा, लेकिन आप लोगों को लिखवाऊंगा मैं, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा लिखवाऊंगा भी, चिंता मत करिए। बैच का भी खासियत है, इसमें टाइम की कमी नहीं है। ठीक, यहाँ कंप्यूटर का ही जलवा है इस सब पेपर में। इसमें परम पद्म जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो किस स्पीड को पार कप किया? 13 में फ्लॉप से, एक जमाने में ये था सब, तो याद रखना आप लोग को। तो ये तो हो गया सी डेक के बारे में। ठीक, अब कुछ और नोट कर लो। यही पे एक नोट कर लेना, परम युवा करके, पुराने वाले में ही लिख देता हूं इसी में, परम युवा। तो आपको तो पता चलेगा, एग्जाम में ये भी आया था ना कि कौन कौन से भारत के सुपर कंप्यूटर है करके, तो युवा भी लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि परम युवा नाम का भी बनाया था सीडेक करके। तो परम युवा लिख लो, परम युवा 2 निकला था, इसका स्पीड था 500 टेरा फ्लॉप। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ये, जो 500 टेरा फ्लॉप्स की स्पीड के पहुंचा। तो ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन कौन सा भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, नहीं है करके। तो युवा दे देगा आपको, परम युवा, परम सिद्धि, परम शिवाय, तो आपको पढ़े रहोगे तब तो पता रहेगा कि हाँ ये बनाया है करके। ठीक, कुछ भी और दे देगा, परम शक्ति, जो भी आपका रहेगा, तो जो पढ़े रहोगे उसको हटाना है, उसमें से ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये तो हो गया आपका सी डेक का। बार्क जानते हो आप लोग? बार्क साइंस में कभी पढ़े होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, तो लिख लो इसको, हिंदी में बोलते हैं भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे इसलिए संस्थापक, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। ठीक, भाभा परमाणु या आणविक लिखा रहेगा, अनुसंधान केंद्र बार्क। ये कहाँ है आपका? तो भाई ये बेसिक जीएस में पूछ सकता है आप लोग को कि बार्क कहाँ है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हिंदी में, मैंने इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको भाभा आणविक या परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका। ठीक, ये जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है, ये बनाता है आपका अनुपम सीरीज का। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माता कौन है या कौन करता है करके। जैसे परम का करता है सी डेक, अनुपम का करता है बार्क आपका। जरूरी थोड़ी कि केवल सीडेक बनाएगा, आप भी बना सकते हो। ठीक, सुपर कंप्यूटर जैसे आईआईटी लोग बनाते हैं, आईआईटी खड़गपुर एक बनाता है आपका, आईआईटी मुंबई बनाया अभी आपका, हेल्प करते हैं लोग साथ में सीडेक का भी। जैसे भारत के भी दो सुपर कंप्यूटर है, प्रत्युष और भीर, ये आईआईटी से बना हुआ है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे से टॉप 500 में नाम है। ठीक, अगला जान लेना, एक फ्लो सॉल्वर बहुत फेमस हुआ था, एक सुपर कंप्यूटर है, लिख लो फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर लिखो, ये बनाया था आपका एनएएल के द्वारा। तो इसको ऐसे पूछेगा कि फ्लो सॉल्वर कौन बनाया था करके, नेशनल एरोनॉटिक लैब, जो हवाई जहाज वगैरह बनाने वाली एजेंसी भारत, नेशनल एरोनॉटिक लैब के द्वारा ये पूछ सकता है। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? ठीक, अनुपम सीरीज के कौन? परम तो सीडेक रहेगा आपका, सीडेक ही सबसे बड़ा है, सीडेक ही मेन है आपका। ये दो बस जानना है आपके, अनुपम वाले आपके कि भाभा बनाता है, बार्क बनाता है आपका, फ्लो सॉल्वर कौन किसका सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो एनएएल आपका, नेशनल एरोनॉटिक लैब करके। तो ये जानना है आप लोग। अब कुछ करंट का देख लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही। लिख लो वर्तमान में, देखो हर साल एक लिस्ट निकलता है आपका टॉप 500 करके,
कि दुनिया के सबसे 500 फास्ट सुपर कंप्यूटर या कोई भी मशीन कौन है करके, इसका हर साल लिस्ट निकलता है टॉप 500 करके। तो वर्तमान में लिख लो नंबर वन पे है आपका, सबसे फ्रंट में है करके याद रखना, फ्रंटियर। इसका नाम ही फ्रंट है, ग्रुप ऑफ फ्रंट लाइन पहने सब रहो आगे वाला, बस वही है ये फ्रंटियर। और ये कहाँ का है भैया? वही अमीर आदमी, हम तो गरीब हैं, अमेरिका। ठीक, तो सीधा सीधा पूछेगा दुनिया का सबसे वर्तमान में सबसे सुपर सबसे फास्ट कौन सा है? फ्रंटियर। कहां का है? अमेरिका बनाया है उसको। दूसरे में चल रहा है फुगाकू, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि दूसरा कौन है, और क्या पूछेगा, किस देश का है, नाम ही लग रहा है जापानी टाइप का, फुगाकू जापान। तो कठिन करने में और कह सकता है आपको, एक तरफ सुपर कंप्यूटर दे देगा, एक तरफ आपको देश दे सकता है, एक तरफ परम दिया मतलब भारत का रहेगा। ठीक, प्रत्युष मिहिर जो भी हिंदी नाम रहेंगे भारत के रहेंगे। फ्रंटियर दे दिया, फुगाकू दे दिया, एक और नोट कर लो यहाँ पे, पहले तियाने करके आता है एक, तियाने वन तियाने टू जो भी लिख दे, ये कहां का रहेगा? चाइना रहेगा ना। और चोर, नाम सुन के घिन आता है इसका, ये तियान है। नहीं, रैंक जरूरी नहीं है, दो का नाम जो पूछ देगा कि तियाने सुपर कंप्यूटर कहां का है करके, कठिन बनाने के लिए। तो मैं आपको और लेवल बता रहा हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इस टॉप 500 में ना भारत के 4 सुपर कंप्यूटर है, टॉप 500 में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक, तो लिखो सबसे पहला, लिखो या लिखो भारत का सबसे तेज, लिख लो करंट में, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लिख लो भैया। इंद्र, देवताओं के राजा देवराज इंद्र, वाहन कौन था उनका? हाथी, एरावत, हाथी थोड़ी ले लेंगे, एरावत। ठीक, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में करंट में एरावत। तो ये भी अच्छा पॉइंट बनता है, दुनिया के 500 में सबसे ऊपर है अमेरिका का फ्रंटियर, इसको 75वां रैंक मिला था, लेकिन ये रैंक अपडेट होते रहता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये भारत के लिए, 75वां रैंक भी आना। ठीक, और सबसे नंबर में आपके अमेरिका, जापान, चाइना, 3 देश ही मिलेंगे आपको, फिर जाके नंबर आता है इजराइल, इजराइल का, फिर भारत का, ठीक, दक्षिण कोरिया जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं आपके। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, ठीक, देवताओं के राजा देवराज इंद्र का वाहन याद रख लेना, सबसे तेज वही रहेगा करके, और फ्रंट में है फ्रंटियर आपका विश्व में अमेरिका का, और वो कुछ नाम कि तिहाने बोला मतलब चीन, फुगाकू सेकंड में है अभी जापान का, तो स्टेप्स भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक, और है लिख लो, 4 लोग हैं तो पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका है परम सिद्धि, मतलब सीडक बनाया है परम सिद्धि, तीसरा आपका है प्रत्युष, ये सब मौसम विभाग के ऑफिस में लगा हुआ है भारत के, फिर आपका मिहिर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से लिख लेना भैया, नोट कर लेना, खासकर एरावत को, फ्रंटियर एरावत, एक विश्व में एक भारत का, तो इतना तो जानो। ठीक, तो ये था बेसिक, लिख के ले लो कि 2 क्वेश्चन यहां से आएगा करके, इतने ही। ये आपका मिहिर है, मिहिर, प्रत्युष और मिहिर, प्रत्युष और मिहिर, तो 4 लोग लिस्ट में, आपको खैर पूछ देगा कि परम सिद्धि किसका है, मेन तो आपको एरावत को जानना है, जो नंबर वन अभी चल रहा है भारत का, दुनिया में उसका 75वां रैंक था, लेकिन अपडेट होता रहता है, 80-90 कभी 60 पहुंच जाएगा, क्योंकि वो हर दिन का एक वो है आपका, अपडेट होता रहता है। ठीक, तो कल इतना को तो करके आओ, एक एक दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब वो है इसका वेटेज है बोल दो, तो हर दिन हम लोग 2-3 नंबर का तैयारी करके घर जाएंगे, ये क्लास की खासियत रहेगी, और आपका हमेशा काम आने वाला है कंप्यूटर, चाहे आप ऐसे नहीं कि हॉस्टल वार्डन, इसमें तो पोस्ट कम है, हॉस्टल वार्डन का हमेशा जब भी निकला है 700-800 पोस्ट निकला है, फिर आएगा, क्योंकि पद खाली है, पहले पीएससी निकाला था, आपको पता होगा 550 का निकाला था, तो वो है, फिर जो पहले के हैं उनको प्रमोटेड करेगा, वर्ग घास गम भेजता वो खाली होगा। ठीक, तो ये हमेशा, और फिर गवर्नमेंट हमेशा हॉस्टल बनाते ही रहता है, हर साल बजट लिखा 200 नए हॉस्टल बनाए गए, कहां से लाएगा, भर्ती तो करेगा ही ना। ठीक, तो ये पोस्ट हमेशा आने वाला, फिर जो एक कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कंप्यूटर आपका आखिरी रहेगा पूरा, इसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा,
अब वो रिसेप्शन में पूछ लेना आप लोग कॉल करके, जब क्लास पूरा करेंगे ना उसमें वैलिडिटी वाला बात क्या है, सिलेबस पूरा नहीं होगा ऐसा थोड़ी कि 4 महीने तक पढ़ाना छोड़ देंगे ऐसा करके। बहुत अच्छा है, बहुत कम फीस में इतना बड़ा सिलेबस आपका, केवल कंप्यूटर की 2-3 हजार ले रहे हैं कई जगह मैं देखा हूँ। ठीक, तो बहुत अच्छा है इसमें, एक तो पूरा 50 नंबर का वेटेज आपका पूरा तैयारी होगा, और इसके बाद आपको जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये खासियत है इसका, वैलिडिटी मतलब पूरा कोर्स का रहेगा आपका पूरा, उसका वैलिडिटी कुछ होता कहाँ है। ठीक, जितना चले, अब बोल दूंगा मैं कि 3 महीना तो भगा थोड़ी देंगे कि नहीं पूरा हुआ करके। ठीक, लंबा चलेगा ये क्लास आपका, अभी तो एग्जाम आपको पता नहीं कब होगा, व्यापम अभी बिजी है, एंट्रेंस एग्जाम लेगा, बीएड वगैरह सब होगा। ठीक, तो बहुत सारे इसमें चलेंगे अभी, फिर टेट वगैरह लेगा तो जुलाई के बाद ही होगा, इतना तो कंफर्म है, तो समय है। ठीक, तो उसका टेंशन मत लो, नोट करते बकायदा लिखते चलेंगे, ऐसा लिखवाऊंगा, लिखना थोड़ा सा मेहनत करना और ये काम आएगा आपका, जो लिखोगे जितने बार लिखो, रफ में लिखो, घर जाके इसको भी देखना और उसको भी लिखना, बुक में भी देखना, फिर फेयर करना आप लोग, जितना मेहनत करो उतना ज्यादा नंबर मिलेगा इसमें, 40 नंबर की गारंटी क्लास से मैं लेता हूँ। ठीक, बाकी फिर वो रिपीटेशन आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर आपका फिर बोनस है, 4-5 क्वेश्चन तो छोड़ने लायक ही रहते हैं, किसी के समझ नहीं आता आपका। ठीक, ठीक है, थैंक यू, बाकी आगे देखते हैं कल।